अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8। लास्ट टाइम हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, 8 और 9 कर लिया था कंप्लीट। आज हम इंशाल्लाह इसका पार्ट नंबर 10 एंड पार्ट नंबर 11 भी कर लेंगे कंप्लीट। पार्ट नंबर 10 की तरफ अगर आप लोग स्टेटमेंट की तरफ आएँ तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट काइट ए बी सी डी विद मेयरमेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दूसरी मेयरमेंट आपके पास गिवन है बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगनल इज मेयरमेंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर जो ये आपके पास मेयरमेंट है ये डायगनल की है डायगनल मेयरमेंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर अब आप लोगों ने एक काइट को कंस्ट्रक्ट करना है तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोगों ने 8.1 की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों ने किया था 10 क्वेश्चन नंबर 10 8.1 एक्सरसाइज का उसमें जैसे हम लोगों ने काइट को कंस्ट्रक्ट किया था और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे थे बिल्कुल सेम आप लोगों ने इसी तरीके से मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम बता दूँ कि आपके पास शेप किस तरीके से बनेगी लेकिन आप लोगों ने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उस जहाँ पर वो अपने क्वेश्चन नंबर 10 किया था इसका वे जहाँ पे आप लोगों ने उस तरह वहाँ पे स्टेप्स लिखे थे बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों ने इस पार्ट के भी स्टेप्स वैसे ही लिखे थे डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे वेरिएबल के नेम चेंज है और यहाँ पे वेरिएबल के नेम और मेयरमेंट्स दोनों चेंज है तो आप लोगों ने उस हिसाब से उसके स्टेप्स को राइट कर लेना अब आपके पास है ए बी उन्होंने कहा हुआ है कि वो है 4 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर ए बी एक 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ये मेरे पास आ गई है ए बी 4 सेंटीमीटर दूसरा उन्होंने आपके पास ये कहा है कि आपके पास एक डायगनल है जिसकी ए से सी तक मतलब इस पॉइंट से लेकर एक पॉइंट सी है डायगनल आप लोगों को पता ही है जैसे काइट का कंस्ट्रक्ट करना अगर आप लोगों ने देखा हो ये काइट की शेप होती है और ये डायगनल आपके पास होता है ठीक है तो मतलब डायगनल ने इस पॉइंट पर ऐसे जाना है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पे जो उसकी मेयरमेंट है वो है 7 सेंटीमीटर आप लोगों ने पुरकार को 7 सेंटीमीटर तक ओपन करना है 7 सेंटीमीटर तक ओपन करके इस पॉइंट ए पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी ठीक है दूसरा आप लोगों ने कहना यह है कि इस पॉइंट बी पे रखें क्योंकि बी से सी तक मतलब बी से लेकर सी तक ये हमारे पास पॉइंट सी ही आएगा ना क्योंकि ए से सी तक कह रहे हैं बात और दूसरा बी से सी तक कह रहे हैं इसकी मेयरमेंट 7 है और इसकी मेयरमेंट 6 है अब आप लोगों ने इस पॉइंट पर रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है जो आपके पास 6 सेंटीमीटर की होगी ये पॉइंट आ गया है सी 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर मैंने सेंटीमीटर्स पहले लिख दिए हैं आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करके उसके बाद सेंटीमीटर्स को राइट करना ये आपके पास इसकी शेप बन गई है ये इसका डायगनल बन गया और ये हम लोगों ने इतना पार्ट ड्रॉ कर लिया अब हमारे पास ये शेप रह गई है कि हमने इसको कैसे बनाना है तो अब आप लोगों ने करना ये है कि इस पॉइंट से रख के इस पॉइंट पर आपने 4 सेंटीमीटर तक क्योंकि आपके पास ये वाले की मेयरमेंट और इस वाले की मेयरमेंट सेम होती है ये शेप बनाते हुए मैंने थोड़ी गलत बना दिया क्योंकि रफली जो बनाई है इनकी मेयरमेंट सेम होती है और इनकी सेम होती है तो आप लोगों ने करना ये है कि इस पॉइंट पर रख के एक 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है मैंने इस साइड पर रख के एक 4 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ कर दी है और इस सी पॉइंट पर रख के आप लोगों ने आर्क ड्रॉ कितने सेंटीमीटर की करनी है 6 सेंटीमीटर की जितनी इस साइड की होगी उतनी ही लेंथ दूसरी साइड की होगी इस पर रख के 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करनी है ठीक है तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इस पॉइंट को आप लोगों ने इस पॉइंट को नेम दे दिया डी का और इस पॉइंट को आपने ए से और सी से मैच कर देना है तो आप लोगों के पास इसकी मेयरमेंट आ जाएगी कि ये है हमारे पास ए पॉइंट ये आप लोगों के पास बन गया है सी पॉइंट और इस तरह ये आप लोगों के पास काइट की कंस्ट्रक्शन बन गई है
7 सेंटीमीटर आपके पास डायगनल है, 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और स्टेप्स आप लोगों ने इसके खुद लिख लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे लिखे थे बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों के इस क्वेश्चन में भी है। सिर्फ आप लोगों ने वेरिएबल ध्यान से चेंज करके उसके मुताबिक उनके मेजरमेंट्स को लिखना है। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने पेंटागॉन ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट रेगुलर पेंटागॉन। तो आप लोगों को पता है कि पेंटागॉन की कितनी साइड्स होती हैं, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 8.1 में क्वेश्चन करवाया हुआ है। पेंटागॉन की आप लोगों के पास 5 साइड्स होती हैं और वहाँ पे उनका जो इंटीरियर एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 108 एंगल ड्रॉ करना है, उसके मुताबिक आप लोगों ने इसकी मेजरमेंट्स भी करनी है। और आप लोगों को इतना भी पता है कि जो इनकी 5 साइड्स होती हैं सबकी मेजरमेंट सेम होती है, कोई भी ऐसी आप लोगों को साइड नहीं मिलेगी कि जिस जो दूसरी साइड से या तो ज़्यादा बड़ी हो या ज़्यादा छोटी हो, ऐसा आपको कोई भी आप साइड नहीं मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 11। गिवन क्या है आपके पास, रेगुलर पेंटागॉन जी एच आई जे के व्हेन मेजरमेंट ऑफ जी एच इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास जी एच जो है उसकी मेजरमेंट आपके पास जो गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर,